नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली सरकार के सभी विभागों का काम रुक रहा है। आप सरकार के मंत्री जेल से सरकार चलाने की सीएम की रणनीति को आगे नहीं बढ़ा सके हैं। हाल ही में दिल्ली एमसीडी मेयर के चुनाव भी टल गए। बैठक में आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और जनता से जाना कि क्या केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के काफी कामों में बाधा आ रही है। पूर्वी दिल्ली की ज्यादातर जनता का कहना था कि यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है, वह खुद सीएम रहते हैं या अपनी पत्नी को सीएम बनाते हैं। हालांकि जनता यह भी कह रही थी कि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के काफी काम केजरीवाल के जेल जाने से रुके हुए हैं, मगर कुर्सी पर बने रहना यह उनका निजी फैसला हो सकता है, क्योंकि अदालत ने यह बात गई तो अदालत ने याचिका को खारिज किया था। वहीं कुछ लोगों का यह मानना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से इतना प्यार करते हैं कि वह कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से दिल्ली के काफी काम नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो वह जल्दी बाहर होंगे, लेकिन उन्हें सत्ता दूसरे के हाथ में देने से इतना डर क्यों लगता है? देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी को सीएम पद से क्यों इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक तो उनको नाजायज तरीके से बीजेपी ने अंदर डाल दिया है और ऊपर से उनको इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली की जनता से, जिन्होंने उनको सीएम बनाया था, उनसे पूरी राय ली कि इनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। पूरी जनता का पूरी जो राय बनी है वो ये बनी है कि हमारे केजरीवाल जी को बीजेपी ने, सरकार ने गलत तरीके से, गलत तथ्यों के आधार पर उनको जेल में डाल दिया है और लगातार वो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो फिर भी हमारे जो केजरीवाल जो एक विकास पुरुष हैं, उन्होंने दिल्ली का कितना विकास किया है, पूरी जनता की राय लेने के बाद ये फैसला लिया है कि उनको सीएम पद पर बने रहना चाहिए, ताकि पूरी भारत को, पूरी दुनिया को ये दिखाई दे कि बीजेपी सरकार किस कदर नीचे गिर चुकी है। एक सिटिंग सीएम को उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया है, किस हद तक वो गिर चुके हैं, सत्ता के इतने लोभी लालची हो चुके हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अभी आप चंडीगढ़ का देख लीजिए सीन, या और हेमंत सोरेन का उधर उन्होंने अंदर का रखा डालकर देख लीजिए, और पूरे विश्व की निगाह में आज मोदी सरकार है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें जर्मनी, अमेरिका, जापान तक, ये बाहर तक खूब जा रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से। उन्होंने भी पिछले दिनों बाहर से भी स्टेटमेंट आई कि आप इसको थोड़ा ध्यान से लीजिए, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने उल्टा उनको आंखें दिखा दी और उनके जो राजनयिक हैं उनको तलब कर लिया कि आप हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। आज हालात ये हो चुके हैं कि हमारे घर में बाहर की दुनिया, हमारी दुनिया से बाहर से लोग बोल रहे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मगर मोदी जी की आंखें खुली नहीं रही हैं। क्या ये पूरी तबाही करने के बाद खुलेंगी? देखिए, भाजपा सरकार तो चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें और ये फिर बाद में कहें कि भ्रष्टाचारी थे इसलिए इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जो काम दिल्ली के हम रुकने नहीं देंगे, जो हमारे विधायक लोग हैं, काम नहीं रुकने देंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन जैसा आपने देखा, 26 तारीख को मेयर का चुनाव होने जा रहा था एमसीडी में, जिस तरीके प्रकार से लास्ट मौके पर आकर एलजी साहब ने ये कहा कि मैं सीएम साहब की गाइडलाइंस पर काम करता हूँ, सीएम साहब ने मुझे कोई गाइडलाइंस नहीं दी, इसलिए मैं चुनाव स्थगित कर रहा हूँ। ये चुनाव स्थगित करना, भाजपा को पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं और मेयर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा था, तो उनको निराशा हाथ आती, एक बाजार में हवा चलती कि देखो दिल्ली के अंदर भी मेयर आम आदमी पार्टी का बना तो चुनाव पर इसका असर पड़ता, इसलिए इन्होंने चुनाव रद्द कराया। कुछ और चुनाव रद्द होने का जश्न भाजपा के पार्षदों ने मेयर की चेयर पर चढ़कर और अपनी चेयरों पर चढ़कर सदन के अंदर मनाया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन और काला दिन इतिहास में नहीं हो सकता कि भाजपा के लोग मेयर ना बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे पास पूरा समर्थन है, 160 पार्षद हैं हमारे पास, मतलब वोट हैं हमारे पे, कांग्रेस का भी समर्थन हमारे पे है और 134 वोट हमारे हैं, एमपी हैं हमारे, हमारे पे 160 वोटों का समर्थन है। उसके बावजूद भी उन्हें पता है कि वोट से वो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने चुनाव रद्द कर दिया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने राजनीति में एक मिसाल कायम की है, मिसाल है बेशर्मी की और बेहयाई की। आप सोचिए, मदन लाल खुराना जी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर केवल आरोप लगा था, ना किसी कोर्ट ने उनको जेल भेजा, ना किसी कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय किए, केवल आरोप लगने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में तब तक कदम नहीं रखूँगा जब तक ये आरोप मुझसे हट नहीं जाएंगे। इस देश के बहुत ही प्रमुख नेता भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर भी आरोप लगा था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और राजनीति में तब तक काम नहीं किया जब तक उनके ऊपर से आरोप
गलत साबित नहीं हो गए, लेकिन इस देश के में एक ऐसा मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री केजरीवाल जी साबित हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाएँ की सीमाएं लांघी हैं और उन्होंने दिखा दिया कि वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश, दिल्ली की जनता, देश की जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी को जब पहला समन ईडी का आया था उनको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर समन ईडी ऐसे इशू नहीं करता, कोई ना कोई उसके पीछे बेस होता है, उस बेस के पीछे कोई ना कोई तथ्य होते हैं जिसकी वजह से उनको समन इशू हुआ। लेकिन उन्होंने कहा ईडी समन भेज दिया, वो गैरकानूनी है, वो खुद ही अपने आप में अदालत बन गए, खुद ही अपने आप में न्यायाधीश बन गए कि मैं तय करूँगा कि वो समन गलत है या सही है, वैलिड है या इनवैलिड है। आप बताइए ऐसे आदमी से क्या अपेक्षा की जा सकती है, वो दिल्ली को पूरी तरीके से अगर कुछ टाइम और रहे तो बर्बाद कर देंगे। औपचारिकता के तौर पे केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए और किसको बनाना चाहिए ये उसके ऊपर निर्भर रहेगा, बाकी इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल जी को, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलती है। बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम तो आई रही है, केजरीवाल जी इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, एमसीडी का काम सारा रुका पड़ा हुआ है, मेयर के चुनाव नहीं हो रहे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था सारी उथल पुथल हुई पड़ी है, तो केजरीवाल जी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो केजरीवाल जी को इस्तीफा दे के और दूसरे किसी और को सीएम बनाना चाहिए जिससे दिल्ली की काम सुचारू रूप से चल सके। देखिए दिल्ली पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में है, और भी जो मंत्री संतरी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी में कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि पता नहीं दिल्ली कितने सालों में पैरों पे आएगी। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जो काम, दिल्ली सरकार के जो काम है वो प्रभावित है, तो क्या कितनी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है? दिल्ली सरकार का हर काम प्रभावित हो रहा है, सफाई का बुरा हाल है और जल बोर्ड का बुरा हाल है, PWD का बुरा हाल है, लाइटें नहीं ठीक हो रही, कोई पूछ ही नहीं रहा, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। केजरीवाल जी को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, अपनी पार्टी का फैसला करके किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए जो दिल्ली के लोगों को राहत मिले। दिल्ली का मेयर नहीं बना है तो उसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? दिल्ली के मेयर ना बनने में उन्होंने वो जो उसकी वो शर्तें होती वो पूरी नहीं करी तो कैसे बन जाएगा? केजरीवाल जी तो जेल में है। वो ये कह रहे हैं कि जो सारा काम था वो LG के हाथ में था, LG ने मना किया, इसलिए जो है काम नहीं हो पाया। तो मुख्यमंत्री किस काम के है फिर? वैसे तो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, जब उनको उनके साइन ही नहीं होंगे तो कैसे मेयर का चुनाव हो जाएगा? देखो पहली बात तो मैं कहूँगा केजरीवाल जी जेल में है, वो जेल में ही रहेंगे। इतना बेशरम मुख्यमंत्री दिल्ली का, अब तक तो उन्हें इस्तीफा देने की बात करो, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, अभी तक तो दे देना चाहिए था। अगर इनकी नीयत में खोट ना होता दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की, तो अब ये कहते हैं जेल में गए हैं। मैं कह रहा हूँ किस आंदोलन में गए तुम जेल में? आप दारू के मामले में जेल में गए हो, जो आप भोली जनता को पागल बना रहे हो ना कि केजरीवाल जी जेल गए हैं जेल गए हैं। अरे भाई किस आंदोलन में तुम जेल गए हो? दारू के मामले में आप जेल गए हो, दिल्ली के जनता का अपना इतना बेवकूफ़ बनाया, हर घर से आपने इतने यूथ ख़राब किए आपने दारू के चक्कर में, और आज जब आप जेल में फंस गए हो तो आप भोली जनता को फिर कहते हो कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे, इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। देखो जी मैं आपको बता दूँ, CM तो वैसे भी बनने वाला है 2025 में भारतीय जनता पार्टी का, तो वैसे ही जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली बात यह है कि CM बने ना बने ये तो हटने वाला है, वैसे भी अगले साल 2025 के अंदर BJP की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है बहुत हट और जिद करके बैठे हुए हैं कि कोई मुख्यमंत्री वहाँ से अंदर जेल से चल जाएगा, ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं है, जिसके कारण काफ़ी समस्या आ रही है। दिल्ली सरकार अपनी मनमानी मान चुकी है, हट कर रही है, इतना इतने काम रुके पड़े हैं, कई फाइलें रुक चुकी हैं, काम करने नहीं हो रहा, पब्लिक परेशान है, पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है, और इसी चक्कर में मेयर का चुनाव भी टलवा दिया अभी इन्होंने, लेटेस्ट सभी करा काम को, तो मैं उनकी विवेक बुद्धि को कहता हूँ कि अपनी वो बुद्धि को इस्तेमाल करें, माने केजरीवाल जी कम से कम इस्तीफा दें, लोगों के हित के लिए काम करें, जो पब्लिक के काम है, जो अंडरली काम है दिल्ली के काम रुके हुए हैं उनको करवाने दिया जाए, वो इस्तीफा दें, किसी को भी बनाएं, हमें उससे कोई वाली बात नहीं, लेकिन इस काम को रोक के अपना इस काम को पब्लिक हित में
चुनाव का टाइम चल रहा है, बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, इतने काम पेंडिंग पड़े हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि पब्लिक परेशान है। पानी पानी नहीं मिल रहा लोगों को, सफाई सफाई नहीं हो रही, कोई ऐसा कार्य आप मेरे साथ क्षेत्र में चलो, कोई ऐसा काम हो जो ना हो रहा हो, क्या काम हो रहा बता दो। सारे के सारे काम ठप करा दिए इस आदमी ने, पूरा पूरा अस्वस्थ हो रखी दिल्ली को, और ये कहता कि जेल के बदले वोट लूँगा, कैसे ले लेगा भाई तू? कोई वहाँ से आता कोई ऐसा कानून बना कि जेल से सरकार चलती हो? मैंने तो आता इतनी उम्र मेरी भी हो गई है और देखते हुए कि कोई सरकार जेल से नहीं चली, ना चल सकती है, कोई ऐसा कानून नहीं है। सीएम किसी और को बनाया जाए वो तो बहुत बेहतरीन होगा, क्यों जेल से कोई सरकार नहीं चलती है। और इस टाइम पानी बिल्कुल ही गंदा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा गंदा आ रहा है, पब्लिक इतनी परेशान है, पानी नहीं मिल रही है, जगह जगह पानी नहीं मिलना, सफाई नहीं होना, गली की नाली की कूड़े ऐसे ढेर लग पड़ी है, गाजीपुर के ढेर जो हम सब कम करवाने में लगे हुए थे उसकी ढेर इतनी मतलब वो बढ़ाने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है पब्लिक की। वो तो इस्तीफा बहुत जल्द से जल्द, मतलब जितनी जल्द वो इस्तीफा दे दे उतनी बेहतर होगा। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, बहुत ही जनता परेशान है, कोई भी कार्य ना तो दिल्ली सरकार में ना एमसीडी में कोई भी कार्य नहीं हो रहा, कहीं भी देखो रोड पे कूड़ा है, कोई भी बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं बोलने वाला। फटाफट से केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपना जो भी सरकार का है वो करें आगे। किस तरीके से देखेंगे, क्या-क्या काम दिक्कत आ रही है? सबसे दिक्कत तो यह है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पा रही। सबसे पहले उनकी पेंशन शुरू करें, रोज़ यहाँ पर 10-15 लोग आते हैं और बेचारे उदास होकर चले जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए या अपनी पत्नी को सीएम का पद सौंप देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत शर्मनाक घटना है, मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, ये एक तरीके से कहना चाहिए लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, परिस्थितियां होती हैं, ईडी का काम था बुलाने का, 9 बार बुलाया, चुनाव के बाद भी हो सकता था, जब 9 बार बुलाया तो चुनाव के बाद भी हो सकता था, लेकिन आपने सवाल किया कि उन्हें चलाना चाहिए, ये उनका विषय है, उनका विवेक है केजरीवाल जी का, कि उनको खुद स्वयं हैंडल करना है या अपने संगठन में किसी ऐसे व्यक्ति को जो दिल्ली को संभाल सके उसकी जिम्मेदारी लगानी है, ये उनका विषय है। अच्छा, जनता के तौर पर क्या कुछ लगता है कि दिल्ली के साथ नाइंसाफी हुई है या ये कानून प्रक्रिया के तहत ही किया गया है? देखिए, कानून प्रक्रिया के तहत किया हुआ होता तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये इसका जो मेन एक्यूज है उसने 10 नवंबर से लेकर के और लास्ट तक 55 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को दिया और समय समय पर उसकी सुनवाई और वाकादा जमानत होती चली गई। फिर ऐसा क्यों? अगर न्यायिक प्रतिक्रिया हो तो सबके लिए होनी चाहिए ना, ऐसा क्यों? ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंकुश में नहीं है उनको एक एक करके अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जान रही है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी 2024 के चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है और दिल्ली की जनता ने क्या निर्णय लिया। जेल से ही चलना चाहिए या अब कोई और कैंडिडेट आना चाहिए दिल्ली? नहीं, जेल से तो नहीं चलना चाहिए, ये तो संविधान भी नहीं कह रहे जेल से चलना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका है उसमें जो ये चल रहा है उनको अपने पद से इस्तीफा देके किसी और को सीएम बनाना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर सीएम बनती हैं तो उनकी धर्मपत्नी ही बनेंगी, क्या ये परिवारवाद को बढ़ावा है या फिर आम आदमी पार्टी में कोई और चेहरा नज़र नहीं आता है? ये देखो, उनका अपना जो उनकी सोच है वो ये सोच के कर रहे हैं कि वो वाइफ को सीएम बना देंगे और लोगों की सहानुभूति उनको मिलेगी, उसका ये वो हो गया ना कि अपनी वाइफ को बनाने, लेकिन परिवारवाद होना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को भ्रष्टाचारी को बचाने वाली बात नहीं कर रहे हम, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे मैंने सुना है ये कांग्रेस के जो लीडर थे पहले उन्होंने
पत्र एलजी को, सीबीआई को और कमिश्नर को दिए कि इसके खिलाफ जांच की जाए। और जब ये जांच का विषय बन गया, लगा कि हाँ ये जांच का विषय, तो इसमें बीजेपी एकदम कूद पड़ी और बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया। और उठाने के बाद बीजेपी ने देखा कैसे इस मुद्दे को भुनाए। और जो बीजेपी की जो दो साल से पहले इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मनीष सिसोदिया के टाइम से अरेस्ट था, संजय सिंह अरेस्ट हुआ, तो केजरीवाल को ये इलेक्शन के टाइम पे अरेस्ट करना कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलती है केजरीवाल को इस चीज़ की। तो ये चीज़ टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। ये टाइमिंग जो उनको बताता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ख़त्म किया जाए। भाजपा चाहती है कि अपना राज्य, हमें जो लग रहा है हिसाब से कि भाजपा का ये कि नेतृत्व चल रहा है कि किसी तरह विपक्ष को ख़त्म करके बस इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत ही घातक सिद्ध है, घातक चीज़ है लोकतंत्र के लिए, ये बहुत ही घातक है जनता के लिए। आने वाला टाइम बहुत ही, अगर हम अभी भी नहीं कोई समझ में आए, सब हम एक ही कट्टरता पे चलते रहे, तो ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा। ये इन्होंने पंजाब का एक सांसद को तोड़ा और रिंकू को, उसको तोड़ के ये बीजेपी में ज्वाइन करवा दी। तो ये कल को जैसे केजरीवाल के नाम से सरकारें चल रही हैं, लोग भी वो कर रहे हैं, और कल को यही डर है कि यहाँ पर भी ये 10-20 सांसद 30 सांसद तोड़ के सबको लालच दे रहे हैं। वहाँ पर भी आरोप लगाया सांसद विधायकों ने पंजाब के अंदर कि 25 करोड़ की ऑफर आ रही है। तो दिल्ली में पहले भी ये लोटस उन्होंने चलाया, लेकिन बीजेपी का ये फेल हुआ क्योंकि इसकी जो 62 सीटें हैं इसको तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल हटता है, कि उनको भी एक बहुत बड़ा डर है, अगर मैं हटता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर कोई और आता है तो कहीं ना कहीं इसमें फूट डलेगी। तो जो इसी कारण से पार्टी या इस्तीफा नहीं देना चाहती। और कोई संविधान भी नहीं कहता कि किसी को अगर कोई जेल में है तो जेल में रह के नहीं चला सकता है या चला सकता है। यह संविधान में हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाओ कि हाँ भी जेल में चले गए मुख्यमंत्री तो वो सरकार नहीं चला सकता, ऐसा संविधान नहीं है। लेकिन हाँ, ये पहली बार जुड़ हुआ है कि किसी एक मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा अपने एक सिर्फ तोते के द्वारा भाजपा ने एक मुख्यमंत्री को जेल करा दी। आप ये देखो ना, जिस समय सिर पर चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये टारगेट किया जाता है, डराया जाता है ईडी के डर से, ये डरा के मतलब एक जबरदस्ती वाली राजनीति हम कह सकते हैं इसको, जिस प्रकार से ये नरेंद्र मोदी की जो चल रही है। जो लोग इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या कर तो उन पे कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उनको किले चिट मिल जाती है। और जो आदमी इनका विरोध करता है, ये एक मिनट से पहले सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आज तक पहली बार ऐसा हुआ है जो मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया हो, इसके लिए बाहर के विदेशों ने भी विपक्ष उठाया। सर, सिंपली मिसोलिनी और हिटलरवाद, इन दोनों से कंपेयर कर लो आज की राजनीति को, आज की राजनीति यही है। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपने त्याग पत्र भेज देना चाहिए। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पत्नी को सीएम बनाना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ये तो वो बात हो जाएगी जैसे रावड़ी जी को बनाया था लालू जी ने, और सीएम का कैंडिडेट जो योग्य व्यक्ति उनके अंदर है कोई तो उसको बनाए। लेकिन भ्रष्टाचार जिस हद पे जो कहे थे, उन्होंने बोला था कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं भ्रष्टाचार के बहुत दूर हूँ, मैं कभी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं लूँगा, मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह रहूँगा, ये सब जो है नाटकबाजी थी। और ये एक षड्यंत्र इन्होंने जो स्टार्टिंग की है, दारू हर घर घर में चाहते, हर युवा आज एक दारू पीने लगे, नशे का आदि हो जाए, इनको शिक्षा से रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए बैठक में बस इतना ही, हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए CNN Live। नमस्कार।